आप बिल्कुल वानों की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं, हमको इससे मतलब है। बिल्किस बानो मामले में टिप्पणी से भागना मनीष सिसोदिया को भारी पड़ा। वीडियो देखकर जनता ने किया पलटवार। सोमवार को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने 14 साल और उससे अधिक उम्र जेल में बिताया और इस दौरान उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था और इस बात को समझते हुए केंद्र की भी सहमति थी। कैदियों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर अपने हलफनामे में गुजरात सरकार ने ये भी कहा कि मार्च 2021 में पुलिस अधीक्षक सीबीआई विशेष अपराध शाखा मुंबई और विशेष नागरिक न्यायाधीश सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ग्रेटर बॉम्बे ने कैदियों की जल्द रिहाई का विरोध किया था। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के संबंध में जब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से पूछा गया तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता के इस रवैये पर उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में एक रोड शो के दौरान जब मनीष सिसोदिया से एक रिपोर्टर द्वारा पूछा गया कि आप गुजरात में आकर बिल्किस बानो की बात नहीं करते, मुसलमानों पर बात नहीं करते, ऐसी कोई साख्त हिंदुत्व पर चल रही है, अब आप पर लग रहा है, मनीष सिसोदिया जवाब में कहते हैं, हम लोग शिक्षा पर चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पर चल रहे हैं, नौकरियों पर चल रहे हैं, हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब उस पर बात कर रहा है। मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया, श्रीमान मनीष सिसोदिया जी, एक अच्छे नेता के रूप में आपको मानता रहा हूँ, आपके काम की भी समय समय पर प्रशंसा की है और आलोचनाएं भी, लेकिन बिल्किस बानो पर आपका इस तरह जवाब देना अच्छा नहीं लगा, भगवान न करे ऐसा किसी के परिवार के साथ हो, आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। सोशल एक्टिविस्ट और लेखक हंसराज मीना ने ट्वीट किया, बिल्किस बानो के साथ अन्याय पर आम आदमी पार्टी का नजरअंदाजगी रुख बेहद ही निंदनीय एवं शर्मनाक है। सिसोदिया को अवगत रहे कि बिल्किस बानो के साथ दूसरा अन्याय शिक्षित जज और तथा कथित विकासशील राजनीतिक पार्टी के विधायक व सरकार के लोगों ने ही किया, क्या करोगे ऐसा शिक्षित भेड़िया समाज का। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने ट्वीट किया, क्या स्कूल अस्पताल की बात करने का मतलब है कि बिल्किस बानो पर नहीं बोला जा सकता, मतलब अगर आपकी सरकार बनी तो स्कूल अस्पताल बनेंगे लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ भी होने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्या इतने भर बदलाव की लड़ाई है, केजरीवाल कभी मोदी बने और सिसोदिया उनके अमित शाह बन सके। वरिष्ठ लेखक अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट किया, ये बता देते हैं कि सरकार बनी तो बलात्कारियों को वापस जेल भेजेंगे या स्कूल। बिल्किस बानो मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल न्यूज आप तक पहुँचती रहे।